हेलो बच्चों, मैं पीपल टीचर। आज हम लिंग की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला, पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पिता, राजा, घोड़ा, बकरा, लड़का, मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा आदि। दूसरा, स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, घोड़ी, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, सुई, कुर्सी, गर्दन आदि। आओ कुछ उदाहरण पढ़ें। दादा, दादी। घोड़ा, घोड़ी। छात्र, छात्रा। धोबी, धोबिन। हाथी, हथिनी। नर, मादा। युवक, युवती। मालिक, मालकिन। मोर, मोरनी। बालक, बालिका। शिष्य, शिष्या। बाल, बाला। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन। सिंह, सिंहनी। अध्यापक, अध्यापिका। बच्चों, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में करना है और वर्कशीट पूरी करने के बाद उसकी फोटो लेकर इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। वर्कशीट के पहले सवाल में आपको नीचे दिए गए शब्दों के लिंक को पहचान कर लिखना है। जैसे पहला शब्द है लेखिका। लेखिका हम उस स्त्री को कहते हैं जो कोई लेख लिखती है, इसीलिए लेखिका के आगे हम स्त्रीलिंग लिखेंगे। वर्कशीट के दूसरे सवाल में हमें नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। जैसे दादा एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा दादी। गुड लक।